लेवू, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया है। तो इसी के साथ हम पहुँच गए हैं लुवर म्यूजियम। पेरिस में बैकग्राउंड में देखेंगे आप, ये है लुवर। रेड लाइट है, अभी ट्रैफिक के लिए रेड लाइट है और वॉकिंग के लिए ग्रीन। तो फिर से हम साइन रिवर के ऊपर चढ़ गए हैं और यहाँ पे जीरो से एक्टिविटीज चल रही है। यहाँ पे बहुत ही एक्टिविटीज, ये देखिए कम चल रहा है इसमें। हेलो, वेलकम बैक। तो दोस्तों, एक चीज़ मैं इस जगह के बारे में आपको बताऊँ कि यहाँ पे भी आपके पास स्कैमस्टर्स आएंगे, तो लड़कियाँ होंगी, लड़के होंगे, तो एक पेपर लेकर आएंगे आपके पास और कहेंगे कि साइन करिए कि ये गुड कॉज के लिए हम कुछ पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। हैंडीकैप्ड और जो प्रिविलेज चिल्ड्रन हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग, किसी भी तरह के प्रिविलेज लोग हैं, तो आप उनके झांसे में मत आइएगा, क्योंकि कोई गारंटी नहीं कि आपने अगर पैसे दे भी दिए वो सही जगह पे यूज़ हो रहे हैं या नहीं। तो आप उन्हें सीधे कह, आप डायरेक्टली उन्हें बता सकते हैं कि आई हैव ऑलरेडी डन इट, आई हैव ऑलरेडी पेड। तो क्योंकि ये बड़ा नेटवर्क है, हर गली चौराहे पे आपको अलग अलग मिलेंगे, तो आपस में उनका कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। आप बोल दीजिए कि मैंने पहले पिछले हाउस में दे चुका हूँ मैं। तो धूप काफ़ी तेज़ है, टेम्परेचर ज़्यादा नहीं है, टेम्परेचर तो 24-25 के आसपास ही होगा। धूप काफ़ी तेज़ है और चलने के बाद तो और भी ज़्यादा गर्मी लग रही है, लेकिन प्लेजेंट मौसम है कल मिला के, ज़्यादा दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। मैं आईफिल टावर के करीब आप पहुँचा हूँ, नज़दीक ही है यहाँ से आईफिल टावर। और ये क्या है? ये है इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रांस। चीज़ें समझने में ना बड़ा टाइम लग जाता है यहाँ पे। एक तो उनकी भाषा है, डिस्क्रिप्शन नीचे इंग्लिश में उन्होंने कुछ समझाया नहीं होता। तो पेरिस की एक और बात मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे जो प्राइमरीली चलती है टैक्सीज वो उबर है और बोल्ट है। थोड़ी सी सस्ती है उबर से, और फिर प्राइवेट यहाँ पे बहुत सारे टैक्सी पॉइंट्स हैं। यहाँ पे आप खड़े होंगे तो टैक्सी रुक जाएंगी, तो वो प्राइवेट होते हैं, वो ऐसे ही ऑन डिमांड जैसे होती है तो आसपास घूमते रहते हैं। अगर आप दिख गए उन्हें तो वो रुक जाएंगे और आपको लेके जाएंगे मीटर के हिसाब से। लेकिन कहा जाता है और रिकमेंड किया जाता है कि उन टैक्सीज़ को आप ना लें, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको कुछ रेट आप डिसाइड करते हो, आप दोनों, ड्राइवर और आप, लेकिन बाद में वो आपको घुमा सकता है और आप भी कंफ्यूज हो जाओगे और वही मीटर फिर काफ़ी ज़्यादा बिल बन सकता है उस मीटर से। तो इसीलिए बेटर है कि आप उबर या जो बोल्ट है उसी से बुकिंग करें। वैसे भी जो टैक्सीज के प्राइसेस हैं यहाँ पे वो बहुत हाई हैं, तो मिनिमम आपने अगर उबर बुक की और 1 या 2 किलोमीटर ट्रैवल करना है आपको, या 10 या 12 किलोमीटर आपको तय करना है, ट्रैवल करना है, तो 30 यूरोस के आसपास ही आपको देने पड़ेंगे मिनिमम। और बेस्ड ऑन इकोनॉमी, प्रीमियम, अलग अलग सेगमेंट्स हैं गाड़ियों की, तो उस हिसाब से आपको मिनिमम 30 यूरो से तो शुरू होती ही है टैक्सी। और अगर आप शेयरिंग पे जाते हैं तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ 2 या 3 यूरो ऊपर नीचे हो सकता है। तो ट्रांसपोर्टेशन बहुत महंगा है और कंपैरेटिवली मेट्रोज और बसेस और जो भी ट्राम और RER हैं वो यहाँ पर काफ़ी कन्वीनियंट और चीप होते हैं। तो बेटर है कि आप एक मैप अपने पास, यहाँ पे जो भी होटल्स हैं और जो लोकल टूरिज्म ऑफिसेज हैं पूरी सिटी में जगह जगह पर लोकेटेड, तो वहाँ से मैप्स ले सकते हैं आप, और गूगल मैप पे रिलाय नहीं कर सकते आप। कल एक गाइड थे हमारे साथ, तो वो भी हमें गाइड कर रहे थे, और पर्सनल एक्सपीरियंस भी मेरा यही है कि गूगल मैप्स बहुत जगह आपको भटका देता है और आप सीधा जा रहे हैं उसके बाद आपको घुमा देगा, आप पजल हो जाओगे और डिस्टेंस एकदम से 1 किलोमीटर का 10 किलोमीटर दिख जाएगा आपको। तो
एक दूसरी ऐप है, वैसे मैंने यूज़ नहीं की लेकिन आप ट्राई कर सकते हैं अगर किसी भी अर्बन सिटी में, लंदन हो या कोई भी मैड्रिड हो या पेरिस, कोई भी जगह हो जो सिटी है, बड़ी सिटी है। एक सिटी मैपर है एक ऐप, तो आपको उसको यूज़ कर सकते हैं, वो काफ़ी रिलायबल है। सामने आपको बिल्डिंग दिख रही है, ये भी एक म्यूज़ियम ही है। नाम तो मुझे पता नहीं इसका क्या है, लेकिन गैरे म्यूजी डी ऑसी एक। और यहाँ से नीचे देखिए ट्रेन स्टेशन भी है, नीचे म्यूज़ियम है। हिस्ट्री के बारे इस थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, लेकिन ये फ्रेंच में है, ये नहीं समझ पाऊंगा। गूगल पे सर्च करना पड़ेगा कि क्या है, किस टाइप का म्यूज़ियम है ये। ये म्यूज़ियम जी ऑसे है जहाँ पे इस वक्त मैं हूँ। ये देखिए आप यहाँ पे रिक्शा कैसे होते हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पे। जी ऑसे म्यूज़ियम आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो 1700 से लेकर जो पेंटिंग्स है, स्कल्पचर्स है, फर्नीचर है, वो डिस्प्ले पे है। तो मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं दिख रहा, क्योंकि इसलिए मैं नहीं अंदर गया। अच्छा, एक चीज़ और बता दूँ मैं पेरिस के बारे में कि यहाँ पे पेरिस ओलंपिक्स होस्ट होने वाले हैं, और इसकी तैयारी जगह जगह की जा रही है। बहुत ज़्यादा खुदाई उदाई सब जगह चल रही है, यहाँ पर साइड में देख सकते हैं। और जो स्टेडियम्स नए बनने हैं और जो पुराने हैं उन्हें सुधारा जा रहा है, तो काफ़ी जो आरियार्स और मेट्रोज हैं, रूट्स जो है वो बंद पड़े हैं, क्योंकि उन्हें फिर से नए तरीके से मॉडिफाई किया जा रहा है। तो वैसे ओवरऑल कोई इनकन्वीनियंस अभी तक नहीं है, लेकिन शायद मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि अगर जब दिन आएंगे ओलंपिक्स के, जो नेक्स्ट ईयर बिल्कुल आने ही वाला है एक साल के अंदर, तो उसके बाद थोड़ा सा ये बहुत ही जल्दी में कुछ चीज़ें बंद कर सकते हैं, कुछ रूट्स बंद हो सकते हैं। तो फ़िलहाल तो कोई दिक्कत नहीं है अभी भी। आज जैसे तीन चार दिन से मैं भी पूरे पेरिस में सफ़र कर रहा हूँ, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सारे रूट्स ओपन हैं, सभी ट्रैफिक नॉर्मली हर रूट पे चल रहा है। तो बैकग्राउंड में जो आप ये बिल्डिंग देख रहे हैं, ये फ्रांस की पार्लियामेंट है, फ्रेंच पार्लियामेंट। और ये देखिए यहाँ पे भी शायद कुछ यूरोपियन यूनियन का कोई ऑफिस लग रहा है, बहुत सारे फ्लैग्स लगे हैं यहाँ पे। यहाँ पे आईफिल टावर अब यहाँ से दिखना शुरू हो गया है, अभी भी बहुत ही खूबसूरत जगह है ये, पता नहीं क्या है। ये देखिए यहाँ पे एप्पल, गोल्डन एप्पल 6.9 यूरोस, और पिंक सारे लगभग 6 यूरो की रेंज में है, बनाना 2.9 यूरोस। तो भाई यहाँ से अब लंच करके मैं निकल गया हूँ, आज जापनीज़ लंच किया मैंने, इसीलिए सिर्फ क्योंकि वहाँ पे मुझे थोड़े से चावल दिखे और पता नहीं क्या था, कुछ समझ नहीं आया, लेकिन ठीक ही था, आखिर मैं लाके पेट भर गया। तो अब निकल रहा हूँ मैं आईफिल टावर की तरफ फिर से, और फिर थोड़ा सा यहाँ पे कुछ देखूँगा सामान, शॉपिंग, और फिर फाइनली अपने इस यूरोप के ट्रिप को मैं यहीं पे विराम दूंगा, और फिर आज रेस्ट करना है, कल सुबह जल्दी फ्लाइट है मेरी वापसी पेरिस से दिल्ली की। आईफिल टावर के आसपास
मैक्सिमम जो आपको यहाँ पे जगह दिखेगी वो खाने पीने की जगह दिखेगी आपको, और हर तरह का खाना यहाँ पे अवेलेबल है। इंडियन और ख़ासकर जो फ्रेंच है, इटालियन है, वो तो आपको हर गली नुक्कड़ पे मिल जाएगा। कुछ एक एरियाज़ हैं, मार्केट्स हैं जहाँ पे जो शॉपिंग हब्स हैं और फैशन की काफ़ी आइटम्स, क्लोथिंग्स वगैरह मिल जाएंगी आपको। यार इस वक्त मैं एक फूड मॉल के अंदर आया हूँ, यहाँ पे एक मैंने जूस बॉटल ली है, पता नहीं कैसी है, कह रहे हैं कि शुगर है, लेकिन देखते हैं, चेक करते हैं। Yeah, how much this is? How much? What's the price? This one? How much? How much? $3.85. The price. No problem. Take. Okay. Merci. Yeah, bill. बात है इंग्लिश, पता नहीं क्यों नहीं सीखते यहाँ लोग, इतने टूरिस्ट दुनिया भर के आते हैं यहाँ पे इंग्लिश वाले। यहाँ पे देखो, ये मेरे को एक ये दूध का ये बॉक्स डब्बा लेना था मुझे, और कंफ्यूज कर दिया इसने मेरे को। एक बार फिर से आईफिल टावर पेरिस पहुँच गए हम, ये आईफिल टावर। दोस्तों इसी के साथ आज मेरा फाइनल डे है पेरिस में, और अब वक्त हो गया है वापस घर की ओर निकलने का। काफ़ी दिन हो गए हैं मुझे यहाँ पे घर से बाहर, और अब थक भी गया हूँ मैं बहुत ज़्यादा, कि नई जगह थी और दिन जो वक्त मेरे पास बहुत कम था, और बहुत ज़्यादा जगह कवर कर ली है मैंने। और जैसे मैं सुबह बता रहा था आपको, मैं बर्लिन या फिर जिनेवा के लिए भी प्लान कर रहा था, लेकिन अब मेरे में हिम्मत नहीं रही, बहुत ज़्यादा थक चुका था मैं। और तो ये था ट्रिप। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सफ़र पसंद आया होगा यूरोप का, जिसमें मैं स्पेन और फ्रांस लेकर गया आपको। तो एंजॉय करिए आप मेरे वीडियोस को, और सब्सक्राइब ज़रूर करिए मेरे चैनल को, ट्रैवल्स, और कोई सीरीज़ के सभी वीडियो ज़रूर देखिएगा। और वीज़ा के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, तो किसी भी एक एम्बेसी से आप वीज़ा को अप्लाई कर सकते हैं जो आपकी मेन डेस्टिनेशन है। कुछ कंडीशंस होती हैं, या तो फिर आप पहले लैंड करेंगे, या फिर ज़्यादा दिन जिस जगह पे रुकेंगे, कंट्री में रुकेंगे। ये शेंगेन कंट्रीज़ होती हैं, यूरोप की कुछ एक कंट्रीज़ हैं जिन्होंने मिलकर एक शेंगेन एरिया स्टेट बनाया है, तो वहाँ पे वीज़ा फ्री रिस्ट्रिक्शन है मूवमेंट के लिए। तो आप एक वीज़ा से इन शेंगेन कंट्रीज़ में ट्रैवल कर सकते हैं। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, मैं बताऊँगा वीज़ा का प्रोसेस कितना मुश्किल या कितना आसान है वीज़ा लगना इंडिया से यूरोप का, शेंगेन स्टेट का, शेंगेन कंट्री का। कितने दिनों का वीज़ा होता है, क्या फीस होती है, क्या प्रोसेस होता है, तो मेरा वीडियो ज़रूर देखिए। कोई यहाँ पे इवेंट है, बॉलीवुड सुपरस्टार्स, पता नहीं क्या है, म्यूजियम है ये भी कोई, एक यहाँ पे कोई एग्जिबिशन है बॉलीवुड मूवीज़ का जो चल रहा है या ख़त्म हो गया, समझ नहीं आ रहा क्या है। 4 जनवरी 2024 तक है ये शायद एग्जीबिशन चल रहा है। बॉलीवुड फिल्म भी यहाँ पे दिखाई जा रही होगी,
साथ में यहाँ पे टॉप जो फैशन ब्रांड्स हैं, जोर्जो अर्मानी, प्रादा, टेगा वेनेटा, ब्रुनो सुसिनेल, ये अलग है, ये अलग अलग जगहों पे है ये जो ब्रांड्स की शोरूम है। एक लुई विटों यहाँ पे भी है, डियोर का है यहाँ पे, वालेंटिनो, मैक्स मारा, एक और फैशन ब्रांड्स यहाँ पे स्थित है। ये थोड़ा सा हाई वाला, हाई रेंज वाला एरिया लग रहा है। ये देखिए डियोर, वालेंटिनो, काफ़ी सारी फैशन ब्रांड्स हैं यहाँ पे, और पैरिस, इटली, साथ साथ चलते हैं जब क्लोथिंग और फैशन की बात होती है। तो सारी ब्रांड्स हैं यार जो हाई एंड हाई रेंजेस वाली शॉपिंग करना चाहते हैं आके ला सकते हैं। बिल्कुल एप्पल टावर के डायगोनली ऑपोजिट है ये जगह, चार्ल्स एंड गबाना, बिल्कुल ही प्रीमियम वाला सेगमेंट करता है ये इलाका। टॉप ब्रांड्स हैं यहाँ पे, और सारे चाखा मिली ये जो जगह है, ये एवेन्यू मोहेन है, मोहेन, और गुच्ची का भी यहीं पे था शोरूम। तो देखो यहाँ पर ट्रैफिक जाम भी लगता है, पहली बार देखा मैंने यहाँ पे, शायद कोई यहाँ पर कुछ पॉलिटिकल कुछ हलचल हो रही है, इस वजह से यहाँ पर ट्रैफिक रुका गया है। दो पे जो इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं, ये छोटे छोटे टायर्स वाली, ये बहुत ही अच्छा है, फटाफट उठाया उसको और मोड़ लिया उधर से उधर, बड़ी कन्वीनियंस ही है।
ये एयरपोर्ट के पास होटल है मेरा, और 5:15 हुए हैं, 5:15, और ये रूम है, डिसेंट सा है, ठीक है। मेन चीज़ है कि लोकेशन जो है एयरपोर्ट के पास है। तो अब यहाँ से मैं चेकआउट करने जा रहा हूँ। मेरी फ़्लाइट 10:40 की है लोकल टाइम, और चार्ल्स डी गॉल एयरपोर्ट है यहाँ पे, तो वहाँ से मैं फ़्लाइट बोर्ड करने जाऊँगा। तो इससे पहले मैं पानी भर दूँ, तो आपको मैं एक और चीज़ बता दूँ कि यहाँ पे जो टैप वाटर होता है, यहाँ पे जो टैप वाटर होता है वो बिल्कुल सेफ होता है पीने के लिए पानी। तो आप यहाँ से भर सकते हैं टैप वाटर। और चलिए, मिलता हूँ मैं आपसे एयरपोर्ट पे। गुड बाय। हाय, गुड मॉर्निंग। तो मैं इस वक्त रेलवे आरियार स्टेशन में हूँ, और ये जो ट्रेन है ये जा रही है चार्ल्स डी गॉल एयरपोर्ट। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे जो सुबह, यहाँ पे कोई स्टाफ नहीं होता यहाँ पे मेट्रो स्टेशन पे, तो हर चीज़ ऑटोमेटेड है। टिकट आपको हमेशा आपको यहाँ पे चेंज रखनी चाहिए। जो सिक्के होते हैं, कॉइन्स होते हैं सेंट्स के, वो हमेशा अपने पॉकेट में रखिए, क्योंकि कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। अभी जैसे सुबह के टाइम था, यहाँ पे कोई भी नहीं था स्टाफ यहाँ पे, तो ऑटोमेटेड था हर चीज़। आपको मशीन में कॉइन्स डालनी थी और 4.85 यूरोस का टिकट फिर जनरेट होना था। तो मैंने वो टिकट ले लिया है, बस मैं रेडी हूँ सीधी जी एयरपोर्ट जाने के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे वहाँ पे। बाय। हेलो दोस्तों, तो मैं इस वक्त चार्ल्स डी गॉल एयरपोर्ट में पहुँच गया हूँ, और आज वापसी है मेरी, और थोड़ी देर में, आधे घंटे में फ़्लाइट है मेरी यहाँ से बहरीन के लिए, उसके बाद फिर दिल्ली की। तो मिलता हूँ मैं आपसे। बाय, टेक केयर।